नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, राम सर्वमय व सर्व मुक्त है। राम सबकी चेतना का सजीव नाम है। अस समर्थ रघुनायक ही भजत जीव ते धन्य। प्रत्येक राम भक्त के लिए राम उसके हृदय में वास कर सुख सौभाग्य और सांत्वना देने वाले हैं। राम राम जपने मात्र से ही प्राणी का उद्धार हो जाता है। आइए कथा के माध्यम से राम नाम की महिमा जानते हैं। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से राम का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वह राम नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने राम नाम को अपने अंदर ले लिया था वह मैं की जगह राम राम करने लगी, क्योंकि उसके अंदर राम का वास हो गया था। उसका मैं अर्थात अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सब बकरियां उसे राम राम कहते सुनी तो वो बोली कि यह क्या कह रही हो, अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही हो, मैं बोलो। तब बकरी बोली कि राम नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया है। सभी बकरियों ने उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाया, परंतु वह नहीं मानी और राम नाम ही रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सिंग मारकर बाड़े से बाहर निकाल दिए। सुबह जब मालिक आया तो उसको बाड़े से बाहर देखा, उसको पकड़कर फिर अंदर कर दिया, परंतु बकरियों ने उसको फिर से सिंग मारकर बाहर कर दिया। मालिक को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई है। मालिक ने सोचा कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने आसपास आने नहीं दे रही हैं। मालिक ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ दिया। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति ने देखा तो वह उसे चुरा लिया और पास के गाँव में जाकर एक किसान को बेच दिया। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला इंसान था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या राम राम। वह बकरी सारा दिन राम राम जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता। राम नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे, तभी उनको भूख लगी। वे किसान के घर गए और किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा स्वादिष्ट दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले कभी ऐसा दूध नहीं पिया। किसान ने कहा कि यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन राम राम करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और राम नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। तभी राजमाता बीमार हो गई। बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा कि माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि हे राजा, आप माता जी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लीजिए। राजा जो काफी व्यस्त रहता था वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा राम राम का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को राम नाम का जाप करते हुए सुना और वह हैरान हो गए। राजा किसान से बोले कि हे किसान, यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला, इस बकरी के कारण ही मेरे घर की हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं यह आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा।
राजा ने कहा कि आप फिकर ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर राम नाम का जाप करती। राम नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी और तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल राम राम का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में राम नाम रूपी माहौल हो गया। तो दोस्तों, एक बकरी जो कि एक पशु है, राम नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या इंसान का निरंतर राम का नाम जपने से सारे कष्ट पाप नहीं धुल जाएंगे? तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम।